आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। कोडरमा के ध्वजाधारी धाम में शिवरात्रि को लेकर शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। जिला मुख्यालय स्थित ध्वजाधारी पहाड़ परिसर में बाबा भोलेनाथ की जयकारे से भक्ति में माहौल है। शिवरात्रि को लेकर दो दिनी मेला सह शिवरात्रि महोत्सव का कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव महामंडलेश्वर सुखदेव महाराज ने उद्घाटन किया। बता दें, ध्वजाधारी पहाड़ की 777 सीढ़ियां चढ़कर शिव भक्त भगवान शिव की आराधना करते हैं, साथ ही जलाभिषेक करते हैं। शिवरात्रि पर ध्वजाधारी धाम परिसर में मेला लगा है, जहां सैकड़ों दुकानें झूले का लुत्फ लोग उठाते हैं। इधर कोविड का दिशा निर्देश का कोई खास असर शिवरात्रि महोत्सव में मौजूद लोगों पर नहीं देखा जा रहा। लोग बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंस बनाए शिव की आराधना में जुटे हैं। नोडल पदाधिकारी डॉक्टर मनोज ने बताया, महोत्सव के पूर्व ही वॉलंटियर आयोजक और दुकानदारों के कोविड टेस्ट किया गया, वहीं 200 सीढ़ियों पर मेडिकल टीम को लगाया गया है। मास्क और सोशल डिस्टेंस पालन कराने को कहा जा रहा है, वहीं सुरक्षा को लेकर पुलिस बल भी मौजूद दिखे। महोत्सव के उद्घाटन पर विधायक डॉक्टर नीरा यादव महामंडलेश्वर सुखदेव जी महाराज ने संबोधित किया। रिपोर्टर संदीप कुमार, डॉमचांच, कोडरमा। पूर्व ही हम लोगों ने कोरोना का टेस्ट सभी वॉलेंटियर जो यहाँ संयोजक हैं इस मेले का, साथ ही साथ जो दुकानदार हैं जितने भी यहाँ पर लगाए हैं स्टॉल, सभी का कोरोना का टेस्ट किया गया है एक दिन पूर्व। और आज जो है सब देख रहे हैं आप, काफी भीड़ है और हम लोगों ने टीम जो है तो स्थापित किया है। प्रत्येक 200 सीढ़ियों पर जो मेडिकल टीम गठित की गई है, मैं उसका नोडल पदाधिकारी हूँ, विसर्जन महोदय के द्वारा बनाया गया है। और मैं इसे सुबह से ही मैं इसे देख रहा हूँ, काफी ठीक चल रहा है और किसी तरह का कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। कैजुअलिटी अगर होता है तो मैं हम लोग तत्पर उसका कार्य करेंगे। और अविलंब दो हमारा एम्बुलेंस अभी लगी हुई है, कोविड का जो निर्णय रहा है, सभी जो वॉलेंटियर है और साथ ही साथ जो हमारा दुकानदार है सभी को कहा गया है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ, और हम मास्क लगाएं और मास्क जरूर लगाएं और दूरी बनाए रखें। सभी जो वॉलेंटियर हैं और साथ ही साथ जो हमारा दुकानदार है सभी को कहा गया है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ, और हम मास्क लगाएं और मास्क जरूर लगाएं और दूरी बनाए रखें। किसी तरह से भय गए हैं, अपने अनुशासन में रहना है और नियम को पालन करना है। आज हमारे ध्वजाधारी वाला आज बंसी से मेरा चलता है और चलेगा और सभी के भक्तों का सम्मान मिलेगा। और आप सबों को सबसे पहले महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। पर्व में आप देख रहे हैं कि भक्तों की जो कतार है लगातार सुबह के 3:30 बजे से ये लगातार बढ़ती ही चली जा रही है और सभी भक्त जन यहाँ श्रद्धापूर्वक आस्था लेकर के भक्तिमय वातावरण में बाबा का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आप सबों से एक आग्रह होगा कि दो दिनों तक ये चलने वाले जो यहाँ पर बहुत बड़ा मेला भी लगता है तो आप इसका आनंद उठाएं, भक्ति में वातावरण में आए, शांति व्यवस्था बहाल रखें। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।